बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 आर्थ्रोपोडा। इसमें हम ये थ्री टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, रिलेशनशिप विद अदर एनिमल्स एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लास लेवल। तो अगर आप अपने सिलेबस कंटेंट्स को देख सके यहाँ स्क्रीन पे, तो इन सिलेबस कंटेंट्स के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का टॉपिक गिवन है। सॉरी, यहाँ पे आर्थ्रोपोड में एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप टू द अदर एनिमल्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास। चैप्टर 14 फाइलम आर्थ्रोपोडा में बस आपके पास यही टॉपिक्स गिवन है, बाकी जो है वो डिटेल्स यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर रहे होंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहले ये बात की गई है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ कौन सा ग्रुप है। Obviously, they are the arthropods. और अगर ये पूछा जाए कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है नंबर में, जो सबसे ज्यादा है, they are copepods. इनका साइज है 1 to 2 millimeter and their food, they're used as food. ये राइट साइड पे जो आपको डायग्राम बनी नजर आ रही है, पिक्चर नजर आ रही है, ये क्रस्टेशियन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड copepod की ही है। और ये फिश के लिए फूड है, डिफरेंट टाइप के फिश के नेम्स लिखे हैं, हैरिंग है, सार्डिन्स है, मैक्रिल है। इवन के कुछ लार्जर मैरीन मैमल्स सच एज व्हेल्स एंड शार्क वो भी इनके ऊपर फीड कर रहे होते हैं। और व्हेल्स जो कि फिल्टर फीडर्स हैं मोस्टली, उनके फूड कंटेंट्स में मेजर पोर्शन इन्हीं क्रस्टेशियंस का होता है जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ह्यूमन जाहिर है बेनिफिट इनडायरेक्टली ले रहे होंगे इनसे विद द हेल्प ऑफ फूड चेन, अगर इनको फिशेस खा रही हैं और फिशेस को अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इस तरह से कॉपीपोड से इनडायरेक्टली हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं वाया फूड चेन। ये स्केल्ड सार्डाइन और थ्रेडफिन हैरिंग, ये फिश की दो टाइप्स हैं कॉमनली जो डायरेक्टली इनके ऊपर फीड कर रही होंगी। और पोल्ट्री हॉग्स या दूसरे कॉर्नर फूड जो हम इस तरह से ले रहे हैं, उससे तकरीबन हम 99% जो इनकी ओरिजिनल एनर्जी है कॉपीपोड्स के अंदर वो लूज कर चुके होते हैं। एंड द रीजन कि एक फूड चेन में आपको पता है हर लेवल पे ऑलमोस्ट 90% एनर्जी लॉस होता है और 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही होती है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी हम इनसे लूज करते हैं, डायरेक्टली हम इनको यूटिलाइज नहीं करते हुए। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में हम ये भी देखेंगे कॉपीपोड्स दे आर वन ऑफ मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इसमें क्रेफिश, लॉबस्टर्स, स्पाइडर्स, माइट्स, स्कॉर्पियंस, इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स में आप पढ़ेंगे। अभी तक जूलॉजिस्ट ने इनकी 1 million स्पीशीज को डिस्क्राइब किया, देयर आर 1 million स्पीशीज व्हिच हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार। लेकिन एक अंदाजा, एक एस्टीमेट ये है कि इनकी 30 to 50 million स्पीशीज और भी मौजूद हो सकती हैं। देयर मे बी 30 to 50 million स्पीशीज ऑफ आर्थ्रोपोड्स एज वेल। इसके अलावा अगर हम इनके जनरल फीचर्स पे बात करें आर्थ्रोपोड्स के हवाले से, तो जैसे आप एनालिडा में पढ़ चुके, एनालिडा में आपने ऑब्जर्व किया कि इनमें मेटामेरिज्म और टेगमेटाइजेशन है। दैट इज मेटामेरिज्म के इनमें बॉडी सेगमेंट्स डेवलप्ड हैं, वन आफ्टर द अदर बॉडी सेगमेंट्स मौजूद हैं। एंड टेगमेटाइजेशन, ये आपने पढ़ा था अभी लास्ट डे हम डिस्कस कर रहे थे एनालिट्स के हवाले से। टेगमेटाइजेशन इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, कि अगर बॉडी सेगमेंट्स बने हुए हैं, मेटामेरिज्म है जैसे आर्थ्रोपोड्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, हेड है, थॉरेक्स है, एब्डोमिनल पार्ट है, तो ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए भी मॉडिफाइड है। लाइक थोरेसिक रीजन, इसमें जो इंसेक्ट्स के विंग्स या लेग्स हैं मोस्टली वो आपको मिल रहे होते हैं। एब्डोमिनल रीजन, उसकी अपनी स्पेशलाइजेशन है, हैविंग अदर विजुअल ऑर्गन्स। हेड रीजन विच इज रिच इन सेंसरी स्ट्रक्चर्स। तो मेटामेरिज्म फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट, जबकि टेगमेटाइजेशन हम बोलेंगे स्पेशलाइजेशन ऑफ दीज बॉडी सेगमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। फिर इनमें काइटनस एक्सोस्केलेटन मौजूद है, पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडिजेस, इसके अलावा ग्रोथ अकम्पनीड बाय एक्डाइसिस और मोल्टिंग, यानी इनमें एक्डाइसिस या शेडिंग ऑफ ओल्डर एक्सोस्केलेटन एंड सिक्रीशन ऑफ न्यू वन, ये प्रोसेस ऑब्जर्व किया गया है। अगर आप इस डायग्राम में देख सके तो इनका जो नर्वस सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट एज वेल एज ब्रेन। जो लोअर साइड है इस पे इनका नर्वस सिस्टम मौजूद है, नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया। सो दैट इज दे आर नाउन टू हैव वेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिलोम इनकी बॉडी कैविटीज के अंदर रिड्यूस्ड है,
स्पेशली गुनेड्स को सराउंड कर रही है, समटाइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैलपीजियन टिब्यूल्स को सराउंड कर रही है, एंड दे आर हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज इन विच ब्लड इज रिलीज्ड इनटू बॉडी टिश्यूज, बॉडी स्पेसिस, हीमोसील डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसील और ब्लास्टोडर्म, और इनका डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है, ट्यूब लाइक है, दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस. येलो कलर में जो हाइलाइटेड पोर्शन है इस डायग्राम के अंदर, ये माउथ टू एनस, ये ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है आर्थ्रोपोड्स का. इसके अलावा इनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस यू नो इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट और चेंज, अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन विच लार्वल फॉर्म दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अडल्ट वन, और मेटामॉर्फोसिस समटाइम रिड्यूस्ड है, समटाइम जो है वो कंप्लीट है. इसकी डिफरेंट टाइप्स है मेटामॉर्फोसिस की जो बाद में डिस्कस की जाएंगे. अगर दूसरे एनिमल्स के साथ इनका रिलेशनशिप देखें तो आर्थ्रोपोड्स और एनालिट्स के हवाले से हम डिस्कस कर चुके पहले भी कि दे आर क्लोजली एसोसिएटेड ड्यू टू मैनी शेयर्ड फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे बात करें तो दोनों प्रोटेरोस्टोम्स हैं, दैट इज दे आर हैविंग शिजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन, जिसमें सिलोम स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से डेवलप हो रही होती है. दोनों के अंदर माउथ जो है वो डेवलप होता है ब्लास्टोपोर से, ये भी इनकी एम्ब्रियोनिक सिमिलैरिटी है. और कुछ दूसरे कॉमन फीचर्स भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, लाइक दोनों में वेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एनालिड में भी और आर्थ्रोपोड में भी. दोनों केसेस में आपको मेटामेरिज्म और टैगमेटाइजेशन नजर आएगी, और क्यूटिकल की प्रेसेंस और बॉडी सेगमेंट्स की फॉर्मेशन, ये भी जो है वो इनके कॉमन फीचर्स नोट किए गए हैं आर्थ्रोपोड्स के एज वेल एज एनालिट. Zoologists, however, disagree about the evolutionary relationship among arthropods. और उनका ख्याल है कि जो zoologist है वो classify करते हैं कि arthropod एक phylum नहीं है. There are more than one phylum. उनको three phyla में distribute किया जाना चाहिए. Living arthropods, however, they are divided into three subphyla. एक subphyla है Chelicerata, second है Crustacea, और third Uniramia. इनके बारे में detail से भी हम classification में discuss करेंगे. एक जो फाइलम है सब फाइलम फोर्थ ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, वो एक्सटिंक्ट मेंबर्स कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें ट्राइलोबाइट्स इंसेस्टर्स ऑफ इंसेक्ट्स वो मौजूद थे. इस स्लाइड पे आप इनके डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स देख सकते हैं, लाइक क्रस्टेशियंस, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स इंक्लूडिंग क्रेफिश, क्रैब्स, पिलबर्ग्स, वाटर फ्लीज, कॉपीपोड्स. सब फाइलम चेलिसेरेटा, हॉर्सशू क्रैब्स, अरेक्निड बेपी स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, ये चेलिसेरेटा के मेंबर्स हैं. एज फार एज सबफाइलम यूनिरेमिया इज कंसर्न, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास इंसेक्टा, आर्थोप्ट्रा, हाइमेनोप्ट्रा, कोलियोप्ट्रा, ये डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, सम ऑफ देम जो फेमस ऑर्डर्स हैं, डिप्टन फ्लाइज का आर्थोप्ट्रा, ग्रास हॉपर्स, हाइमेनोप्टरन, वैस्प, एंट्स और बीस, लेपिडोप्ट्रा, बटरफ्लाइज और मॉस, और कोलियोप्ट्रा बीटल्स. फिर इसमें सब फाइलम यूनिरेमिया में, जो कि हम ये पूरा सब फाइलम नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 15 में डिस्कस कर रहे होंगे, उसके कुछ टॉपिक से जो रिलेटेड पॉइंट्स है, क्लास डिप्लोपोडा, क्लास चिलोपोडा, ये भी इसी जो है वो सब फाइलम का हिस्सा है. जबकि जो एक्सटिंक्ट है फोर्थ सब फाइलम, दे आर ट्राइलोबाइट्स, ट्राइलोबाइट इंसेक्ट्स, दे आर एक्सटिंक्ट नाउ. ये क्लासिफिकेशन टेबल जो आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया, इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल फीचर्स तो हम डिस्कस कर चुके. इसमें सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा में उन्हीं की एग्जांपल्स ट्राइलोबाइट्स की, जो कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन टू कार्बोनिफेरस पीरियड मिलते हैं, और इनमें भी थ्री बॉडी लोब्स थे, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, वन पेयर ऑफ एंटीनियर बायरेमस अपेंडेजेस, ऐसे अपेंडेज जो आगे जाके दो प्रोजेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं. सब फाइलम चेलिसेरेटा में क्लास मेरिस्टोमेटा, अरेक्निडा और पिक्नोगोनिडा ये शामिल है, जबकि चेलिसेरेटा में जो हमारे पास मेरिस्टोमेटा, इसमें लिमेलस की स्पीशीज आती हैं कुछ. अरेक्निडा में स्पाइडर्स, एज यू कैन सी ओवर हियर, स्कॉर्पियंस, टिक्स, माइट्स, हार्वेस्टमैन एंड अदर्स, ये अरेक्निडा के मेंबर्स हैं. दे आर नॉट इंसेक्ट्स बट दे आर आर्थ्रोपोड मेंबर्स ऑफ फाइलम सब फाइलम चेलिसेरेटा. क्लास पिक्नोगोनिडिया इसके अंदर अगर आप देखें तो सी स्पाइडर्स वो इंक्लूडेड है, या मैरीन स्पाइडर्स जिन्हें आप कह सकते हैं, वो क्लास पिक्नोगोनिडिया में. तो सब फाइलम दो यहाँ पे मेंशन है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो बाकी दो सब फाइलम है, लाइक सब फाइलम
क्रस्टेशिया और सब फाइलम यूनिरेमिया, उनको इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। क्रस्टेशिया में डिफरेंट क्लासेस हैं जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड स्पेशली मेरीन आर्थ्रोपोड्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रस्टेशियंस को। ब्रेकियोपोडा, रेमिपीडा, इसके अलावा सिफेलोकार्डिया। रेमिपीडा में डिफरेंट ये जो है वो आप कह लें बामास डिवेलिंग क्रस्टेशियंस या केव डिवेलिंग क्रस्टेशियंस, अप्रोक्सीमेटली 30 सेगमेंट्स इनमें नोट किए गए। और सिफेलोकार्डिया के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म लीफ लाइक ट्राई रेमस अपेंडेजेस के एक अपेंडेज आगे जाके थ्री प्रोजेक्शन में डिवाइडेड है। ब्रेकियोपोडा में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकियोपोडा वाटर फ्लीज, ब्राइन श्रिम्स, वाटर फ्लीज, क्लैम श्रिम्प, श्रिम्स और फ्लीज ये ब्रेकियोपोडा के मेंबर्स हैं। कॉपीपोड जो कि हम स्टार्ट में भी ऑब्जर्व कर रहे थे ये क्लास कॉपीपोडा के अंदर क्लासिफाइड है। कॉपीपोड्स द मोस्ट अबंडेंट इंडिविजुअल्स। क्लास सीरीपीडे, सीरीपीडिया इसमें आप देखें सेसाइल आर एडल्ट्स मैरीन एंड इंक्लोज बाय कैल्शियम कार्बोनेट वेल्स, इनमें बारनेकल्स जो है वो इंक्लूडेड है। जबकि सब फाइलम यूनिरेमिया, इट इज द लार्जेस्ट सब फाइलम एज वेल एज लार्जेस्ट हैविंग लार्जेस्ट क्लास क्लास इंसेक्टा। ये फोर सब फाइला के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स यहाँ पे भी शोन है। यूनिरेमिया में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, फिर क्रस्टेशिया में ये बारनेकल्स, श्रिम्स, वाटर फ्लीज, कॉपीपोड्स। सब फाइलम चेलिसेरेटा के मेंबर्स क्रैब्स, टिक्स, माइट्स और इसके अलावा ये स्पाइडर्स वगैरह, और सब फाइलम ट्राइलोबाइटा जिसमें हमने एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स का जिक्र किया। ये जी आपके पास आर्थ्रोपोडा में सब फाइलम यूनिरेमिया की बात की गई है, इसमें भी डिफरेंट क्लासेस हैं लाइक डिप्लोपोडा जिसमें मिलीपीड्स आ जाते हैं, चिलोपोडा जिसमें सेंटीपीड्स है, पारोपोडा इसके अंदर आते हैं पारोपोड्स इंसेक्ट्स, और सिम्फाइला ये सिम्फाइला इंसेक्ट है। जबकि लार्जेस्ट क्लास जिसको आपने लाजमी फोकस करना है दैट इज क्लास हेक्सापोडा, जिसमें फिर दो सब क्लासेस हैं टेरिगोटा और एटेरिगोटा, यानी एप्ट्रस इंसेक्ट्स विदाउट जो विंगलेस इंसेक्ट्स हैं एमेटाबोलस, और जो टेरिस टेरिगोटा जिसमें आप कह लें कि विंग्स मौजूद होते हैं, ये दूसरा ग्रुप है। ऑर्डर्स सबके याद रखने की जरूरत नहीं है, जो फेमस इसके ऑर्डर्स हैं पोलियोप्ट्रा, ऑर्थोप्ट्रा या ये मेजर ऑर्डर्स हैं उनको आप मेमोराइज करेंगे, लेकिन क्लास लेवल तक जो क्लासिफिकेशन है वो आपको इस ग्रुप की आनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 14, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के आपके कंटेंट्स हैं उसमें सिर्फ चैप्टर 14 में से आप यही पोर्शन कवर कर रहे होंगे।